अब कट्टा कौन पकड़ेगा भैया? आप मेरे को करके रखो यार, कैसे खड़ा हो रहा हो? उधर ही बोल, देखिए भाई के साथ नागराज ने बड़ी मेहनत कराई, काफी पुराना सांप है, काफी पुराना सांप है और ये अगर काट ले तो आदमी बचेगा नहीं। अब इसको इसके प्राकृतिक आवास छोड़ा जाएगा। इसका दूसरा सांप है, रडार सिस्टम चालू है इसका, 15 से लेकर 16 साल पुराना सांप है ये। अब इसको इसके प्राकृतिक आवास छोड़ दिया जाएगा। कितने का अभी ये कोबरा हमारे द्वारा बेल पत्री की पेड़ के नीचे पकड़ा गया, काफी खतरा था, काफी पुराना कोबरा है, कम से कम 15 साल से तो ऊपर का ही है और 8 इंच का करीब इसका फना था। काफी गुस्से में था, इसको गड्ढा खोद के निकाला गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं और वैसे भी छोटे बच्चे ज्यादा रहते थे। अब इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, उधर ले चलो उधर, कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उधर करो ना, कम यही छोड़ दो। इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है, काफी खतरनाक है, कोबरा है और गुस्से में भी काफी है। इसको बड़ी मुश्किल से निकाला गड्ढे में से, बच्चे थे वहां पर, आप ये देखिए, ये काफी बड़ा है। इसको दिखाओ जरा, जरा सांप अपने प्राकृतिक आवास में चला गया। इस समय गर्मी है और सांप घरों की ओर निकल रहे हैं शिकार की तलाश में, मेटिंग पीरियड भी इनका चल रहा है, काफी गुस्से में रहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें। इसको डीवाला से 6 या 7 किलोमीटर दूर वन विभाग के जंगल में छोड़ दिया गया ताकि ये अपना जीवन जी सके और इसको भी किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। धन्यवाद।